एंटिक्स की जो है जो 100 ईयर्स उसको होना चाहिए, उससे नीचे की जो होंगी वो विंटेज में आएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे 700, 800 साल, 500 साल, 300 साल, 1000 साल, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो मकसद ये था कि एक तो हम हिस्ट्री से रोशनास हो जाएँ, और फिर ये हमारे जो ये रीजन है ये बड़ा रिच है एंटिक्स के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि हम गंदारा, तहजीब, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ चाइना और यहाँ इंडिया। तो इस हवाले से जो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर उसका जो टारगेट है वो ये है कि लोग जो है ना वो अपने हिस्ट्री और तहजीब से और तमदन से अवेयर हो जाएं कि हमारे आबा अजदाद पीछे क्या करते रहे, और जो ये पिछली ज़िंदगी है असल में वो ज़िंदगी आज की इस ज़िंदगी की समर है, या वो मज़र है वो ज़िंदगी, ये जो आज की ज़िंदगी है। क्योंकि पहले मिट्टी से गिलास बनता था, वो गिलास से बन रहा है इस डिजिटल दौर में, इस जदीद दौर में। तो मकसद ये था इस प्रोग्राम का कि एक तो ये कोरोना का इशू आ गया दरमियान में, और साथ में बिज़नेस एक्टिविटी बड़ी कमज़ोर होने पड़ गई है। तो अब इस एक्टिविटी से एक तो हमारी माशी सूरत हाल में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा, और एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। अच्छा, इसके ढूंढने के मुख्तलिफ वो हैं, हम तो बेसिकली इसको रिसर्च बेस्ड पे वो करते हैं कि यार हमारी चीज़ आज कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिस पर हम रिसर्च कर लें। अच्छा, फिर ये इसमें बिज़नेस भी बड़ा इन्वॉल्व है कि लोगों के पास पुराने चीज़ें हों, लोगों ने घरों में रखी होती हैं। इस एग्जीबिशन की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों ने जो घरों में रखा है उनको पता नहीं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या ये इसकी क्या अहमियत है, तो वो चीज़ें भी निकल आ सकती है हमारे पास, हम उसको दिखा सकते हैं। आप इसको देख लें, सारे तकरीबन घरों से आई हुई चीज़ें हैं, तो इसको ढूंढने में तो मुश्किलात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके ढूंढने में मुश्किलात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी एग्जीबिशन है, इसमें यानी कि 100 साल से लेकर हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। एंटिक्स में बर्तन भी है और पत्थर भी है, और इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया है जो पुराने दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। जी बिल्कुल, ढूंढने में तो बहुत मुश्किलात पेश आते हैं। असल में ये कि ये घर की रौनक बढ़ाने के लिए, बैठकों में रखने के लिए तलवारें हुए, गमले हुए, यानी कि इस तरह की बहुत सारी अशिया मिल जाएंगी आपको इंशाल्लाह। तो सर, ये काफ़ी परेशानी में ढूंढे जाते हैं, सारे पाकिस्तान से पीस लाए जाते, फिर चुन चुन के हम पीस उठा के ही बेचते हैं। सर, हमारा बिजनेस ही है। हमारे पास सर सारे कदीम पीस है, ऐसे पीस है जो 400 साल पुराने, जो 200 साल पुराने, सारे यूनिक पीस है, एंटिक्स पीसेस।